So this is yet another trip to Skandagiri Hills. Hey, what is up everyone? This is Geet and I'm back with another trip. तो ये वाली जो है ये solo trip है and this is towards Skandagiri Hills. So you can see अभी यहाँ पे जाना है मुझे. It's early morning. So this place is around 65 to 70 kilometers far from Bangalore. Or मतलब road वोड तो एकदम मस्त है. But make sure you book for it before coming here because मैं यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी कि booking नहीं किया. So I booked here itself. So from your phone you can book and you can come. तो जैकेट वैकेट सब निकाल लिया है मैंने बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल रफ राइड और ऊपर पहुंचना है अभी. सो द टिकट प्राइस फॉर हियर इज 250 rupees एंड 30 rupees एक्स्ट्रा फॉर पार्किंग. मुझे पता नहीं अगर आप कार से आए तो कितना पार्किंग का चार्ज है. मौसम बहुत ही मस्त है आज. आई मीन टिल नाउ इट लुक्स लाइक बंदर वंदर का ध्यान रखना पड़ रहा है बिकॉज कहीं से भी आके छीन के चले जाएंगे. और ज़ोर से हवा चल रही है. इधर 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 जाना है. सो आई डिडंट प्लान मच फॉर दिस ट्रिप. सुबह सुबह उठा और अंदर से ऐसा इंस्पिरेशन जग गया दैट आई वांट टू गो समवेयर और कर ली बाइक चालू एंड आई स्टार्टेड. तभी कच्चा रास्ता शुरू हो गए हैं. पानी लाना भूल गया आज मैं. आई डोंट हैव वाटर विथ मी. अगर रास्ते में कहीं मिल जाए तो ठीक है वरना देखते हैं. ट्रेल्स 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 देख रखी है हर जगह ताकि कोई रास्ता ना भटक जाए. आई सी सो मैनी पीपल्स कमिंग बैक और मैं ऊपर जा रहा हूँ. थोड़ा अजीब लग रहा है. ये देखिए एक और एरो. गूगल मैप तो यहाँ पे काम नहीं करेगा. ये मेरा वैसे इस साल का सबसे पहला ट्रैक है. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग फॉर अ ट्रैक. काफ़ी थका देने वाला है ये. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है. सनसेट ऑलरेडी हो चुका है पर इस मौसम में ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि ऐसा सूरज जैसे होराइजन से बाहर निकलता हो ऐसा कोई देख पाया होगा. दिस इज़ प्रिटी एग्जॉस्टिव. Thank you.
scenery is really beautiful. You can see छोटे छोटे मंदिर जैसा है कुछ, मंदिर तो नहीं है, एक ही मंदिर है। एंड बहुत ही मस्त तेज हवा चल रही है, सो इट फील्स रियली गुड। आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे को ऐसे प्लेस पे आया हूँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड है और हवा चल रही है, लाइक अ हिल स्टेशन, छोटी सी हिल है। एंड यू कैन सी यहाँ पे और भी सारी बहुत छोटी छोटी हिल है, पर ये कुछ कर्नाटका गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, तो दिस इज एक्चुअली वेल मेंटेन्ड। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट सो मेनी पीपल विल बी देयर, बट देयर आर। मैं सोचा यार लेट हो गया तो अकेला ही रह जाऊंगा यहाँ पे, बट बहुत 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 सारे लोग हैं और एक बंदे ने मेरे को हेल्प भी कर दी पानी पीने में, सो आई फील रियली एनर्जेटिक। छोटा सा मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे उतरने का रास्ता मैं भूल गया हूँ कहाँ से उतरना था। छोटी छोटी ट्रेल्स, पुराना जमाना। सो दिस इज द वन, अभी तो टूटा फूटा हुआ है। दिस इज द अदर वन, सन यही कहीं है पर ड्यू टू दी काले बादल वो दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे छोटा सा टाउन दिख रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहाँ पे एकदम कोहरा छाया हुआ था ये एरिया पे, और ऐसे बादल की ऐसे चादर बन गई थी, बट दिस टाइम कोहरा तो कम है पर हवा बहुत ज्यादा है। यू सी कैसे सब हिल रहा है अपनी जगह से, बारिश होने वाली है। सो मेनी पीपल अराउंड, इंसान को देखते मतलब मजा ही आ जाता है व्हेन एवर यू फाइंड ह्यूमंस अराउंड। और ये इसका लास्ट पॉइंट, वी आर ऑलमोस्ट देयर। You see it. मतलब यार जंगल ही जंगल है यहाँ पे तो। इस साइड पे थोड़ा कुछ नदी जैसा देखा था मैंने, नॉट श्योर। और यहाँ पे कुछ खुदाई उदाई करके रखी है, जा रहे हैं हम। यार ये जगह ही ऐसी है, नीचे जाने का मन नहीं हो रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउन। ये देखिए
ये सिटी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ आसपास बहुत ही सारे घूमने के प्लेसेस हैं, वेदर बी इट अ हिल, ट्रैकिंग, बीच, जंगल, आप नाम बोलो और वो यहाँ पे हैं। दैट इज़ व्हाई आई लव दिस प्लेस। अब बहुत ही बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाना ढूंढना पड़ेगा। अब फिर से आ गई हमारी वही पुरानी ट्रेल्स। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था इस जगह की, मैं देखा था आते टाइम बट आई फॉरगॉट। और छोटा सा कोई गांव है यहाँ पे, मे बी एक बोर्ड देखा था मैंने, चिक्काबल्लीपुरा ऐसा कुछ, तो वही गांव होगा यहाँ पे। अभी तक तो लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं, नॉर्मल मौसम में अभी तक तो फुल मतलब गर्मी हो गई होगी, बट दिस इज प्रिटी कूल ईयर और मस्त हवा चल रही है। लुक एट दिस व्यू, ऐसे बहुत सारे आ गए और बहुत सारे आने वाले हैं। आई मीन व्हेन आई वाज कमिंग दूर से, मतलब इसके जो हिल टॉप पे बादल बादल एकदम दिख रहे थे, इट वाज लाइक द एंटायर हिल टॉप इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स। तो उसको घेर लिया है, एकदम पकड़ में ले लिया है। इट वाज प्रीटी मेसमराइजिंग, मस्त दिख रहा था तब, पर बाइक चला रहा था एंड आई वाज अलोन, तो कुछ वीडियो खींचे नहीं है मैंने। धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे मेन रास्ते से दूर एक और जगह है, ये वाली फोटो वोटो खींचने के लिए अच्छी जगह है। तो आजू बाजू के रास्ते भी मस्त हैं, वो पूरी ग्रीनरी हो चुकी है यहाँ पे, घास फूस सब जगह। By the way, I bought this T-shirt just some days back. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक मतलब पहुँचे हैं, that means थोड़ा सा तो interesting है मेरा वीडियो। Then let me know how my T-shirt is. चलिए फिर से नीचे जाते हैं। आता है कभी कभी कि ये पत्थर वत्थर सब यहाँ पे कौन लाया होगा। ऊपर मस्त एक मंदिर है, उसके अंदर नंदी, शिव जी, गणेश जी सबकी मूर्तियाँ हैं, एंड दोज वेर लुकिंग लाइक मोनोलिथिक रॉक और समथिंग। तो एक सिंगल रॉक में से बनाई हुई प्रतिमा, हाउ डिड दे मैनेज टू ब्रिंग इट ओवर हियर। मैं तो बस ये जैकेट वैकेट लेके बैग का वजन भी नहीं उठा पा रहा हूँ, और ज़रा सा पानी नहीं था मेरे पास तो हालत ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो हाउ दीज पीपल वुड बी मैनेजिंग, ये तो वही जाने कितने साल पुरानी होगी है, अब तो ऐसी मूर्तियाँ शायद से बन भी नहीं रही होगी। अभी भी मुझे सूरज नहीं दिख रहा है और काले काले बादल दिख रहे हैं, बाप रे।
सो व्हाट आर योर प्लान्स ऑफ दिस वीकेंड? अभी तो वीकेंड शुरू भी नहीं हुआ है वैसे बोल सकते हैं, इट्स मॉर्निंग टाइम, तो अभी तो ये पूरा दिन बाकी है, संडे पूरा बाकी है। ट्रैकिंग का सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास पूरा दिन फिर टाइम रहता है अगर आपको बहुत नींद ना आए बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस ऑफ द ट्रैकिंग। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई इस साइड आएगा, मतलब कि चढ़ने की साइड, बिकॉज नाउ इट वुड बी टू लेट। चलो भाई, रास्ते में दो सब्सक्राइबर मिल गए मुझे, सो दोज पीपल विल बी सब्सक्राइबिंग मी। यू गाइज ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, जस्ट हिट सब्सक्राइब। यार थक गया मैं, बहुत 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 नीचे जाना है अभी। ऐसी एक और जगह है माँ काली दुर्गा, जहाँ पे मैं 1.5-2 साल पहले गया था और मुझे हो गया था पैर में कॉर्न, CORN, एंड इट मेड मी मिजरेबल। तो थोड़े अच्छे शूज़ पहन रहा हूँ आजकल। आई हैड रियली हॉरिबल 6 months। धूप होने लगी है अभी, कभी धूप कभी छाँव। यार कैसा मौसम है ये, बस मैं नीचे तक पहुँचूँ तब तक बारिश ना आ जाए, वरना ना के जाना पड़ेगा मुझे। फिर से आ गया अंधेरा, घोर अंधेरा। अभी भी लोग चढ़ रहे हैं, दैट इज ऑसम। कुछ अजीब से इंसेक्ट की आवाज आ रही है, आई डोंट नो आपको आ रही है नहीं, कुछ अलग ही टाइप के जंतु मिल रहे हैं यहाँ पे। बहुत टाइम बाद सीधा रास्ता आया है। देख रहे हैं आप कितनी आवाज चल रही है, ऐसा तो बैग वैग साथ में रखे उड़ ना जाए कहीं।
ये फिर से ढलान वाला रास्ता आ गया। थोड़ी बड़ी सेल्फी स्टिक रखनी चाहिए थी मेरे को साथ में, ताकि सब दिखा सकूँ आपको। और आप अगर ये ट्रैक पे आएँ या कोई भी ट्रैक पे जाए, पानी साथ में लेना ना भूले, एक बोतल पानी की और एक बोतल के जूस वूस की, टू कीप यू एनर्जाइज्ड। अदरवाइज बार बार रुकना पड़ेगा आपको और बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि अगर आप एक बार बैठ गए, इफ़ यू सिट डाउन वन टाइम इट्स फॉर एवर, फॉर एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स यू विल हैव टू सिट डाउन एंड टेक अ रेस्ट। तो ऐसा मत कीजिए। वैसे कोई जल्दी तो नहीं है मुझे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, क्यों आपके साथ। ये कर्नाटका टूरिज्म की वेबसाइट पे इस ट्रैक को, मतलब लो या क्या बोलते हैं, इजी इजी लेवल, जो गेम के लेवल नहीं होते, इजी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट मीडियम, तो ये इजी वाला है। इफ़ यू गो टू कोडाचाद्री विच आई वॉज प्लानिंग टू दिस वीकेंड, पर एंड टाइम पे कैंसिल हो गया, विच आई रियली फील अनहैप्पी अबाउट। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे। देन कम्स दी सकलेशपुर, तो वो सारे लॉन्ग ट्रैक्स हैं 10, 12, 14 किलोमीटर के, तो आपको रात को ही शुरू कर देना पड़ेगा। मैं तो काफ़ी लेट था ये ट्रैक चालू करने में, पर इतना टाइम नहीं लगा मुझे, और विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट मच रिसोर्सेज मैनेज कर पाया मैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू दोज प्लेसेस देन यू मे नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। वेल, आई फॉरगॉट टू टेल योर स्टोरी, एन इंसिडेंट विच I just realized. So while coming here, actually in the morning, मैं उठा और उठते ही मैं सोच लिया कि यहाँ पे आज मैं आऊँगा with no preparation. I didn't drink any water since morning. और जब यहाँ पे चढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि I haven't drank even a single drop of water. क्या करूँगा मैं? And I was continuously feeling like I won't be able to do it without water. But then I thought, everything is in your head. So I kept on going. And while I was almost there, jab main almost pahunch gaya, then I asked someone to give me water. And that was also just, you know, a very small amount of water. A quarter of cup or something, जो टकीला ग्लास आता है ना, that much. So the realization that I got was, every problem that you think that you have is all in your mind. It doesn't even exist. कि पानी के बिना मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगा, but I made it through. I went to the top without water, and still पानी वानी कुछ पिया नहीं है मैंने। So that was something I wanted to tell you, that sometimes if you feel you are facing some problems and without these resources, whatever you want to achieve, it's next to impossible, then it's not. Just try it out. Try to do something, push yourself. Yes, you have to push yourself, otherwise you will give up. 2-3 baar aap sochenge fir you will feel like, man, I want to give up.
So don't think like that. Resources are never a limitation unless you're doing some office work. वहाँ पे आप excuse बना सकते हो that I don't have sufficient resources, so I won't be able to do this work. But when you want to achieve something on your own, you just have to get going, no matter what comes and goes. तो ये था आज का life lesson जो मैंने सीखा, and I thought I would share to you guys. आप अगर सहमत हो इससे, if you are agree, then कमेंट कर दो कि यस आई अग्री, तो मेरे को भी पता चले कहाँ तक देख रहे हैं लोग वीडियो. एंड इफ़ यू डोंट देन टेल मी वाई, टेल मी द एग्जैक्ट रीज़न वाई यू थिंक व्हाट आई सेड इज नॉट वर्थ, इज रॉन्ग. We are almost there. 2 months ऊपर मस्त मज़ा आ रहा था. टू मच ऑफ फॉग और इतनी ठंड और इतनी हवा थी कि बंदा बर्फ बन जाए, जम जाए पूरा. नाउ अगेन द सेम. वैसे भी तो दूर लग रहा है मुझे यार, अभी भी मतलब धूप नहीं आई है. आई फील आई शुड हैव स्टेड देयर सम मोर टाइम, बिकॉज इससे पहले कि जो जो भी ट्रैक में मैं गया हूँ वहाँ पे मतलब सुबह 9 बजे तो धूप आ जाती है. एंड यू सी कुछ नहीं अभी तक, एंड आई एम ऑलमोस्ट डाउन. सोच रहा हूँ एक बार फिर से ऊपर चढ़ के नीचे आ जाऊं. तो फाइनली हम पहुंच गए नीचे. इट वॉज एन ऑसम ट्रैक विथ अ लॉट ऑफ लर्निंग्स. और अब टाइम आ गया है घर जाने का. सो रास्ते में कुछ खाना वाना खाऊंगा. ये लास्ट पॉइंट, इससे ज़्यादा तो अब सीधा पार्किंग आएगा. सो इट वॉज रियली ऑसम एंड आई वॉज रियली ग्लैड टू हैव इट एंड हैव यू गाइज. तो यहीं तक था हमारा सफ़र. मिलूंगा आपको नेक्स्ट जर्नी में विथ अ न्यू वीडियो. Till then, देखते रहिए वीडियो मेरा. Bye bye, stay safe, have a good day.